हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सरकारी परीक्षा चैनल। दोस्तों, मैं आज भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं करंट अफेयर्स के बहुत इंपॉर्टेंट और एग्जाम से रिलेवेंट क्वेश्चंस को। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखेगा, लास्ट देखेगा, और इस वीडियो के डिस्कशन में जो भी जानकारी आपको इंपॉर्टेंट लगे उस जानकारी को आप याद करें, साथ में उसको नोट जरूर कर लिया करें, बिकॉज ये जानकारी आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनते हैं, चाहे वो करंट अफेयर का हो चाहे वो स्टेटिक जीके का हो, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये जानकारी बहुत हेल्प कर सकती है, राइट? तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इनिशिएटिव्स हैज बीन सपोर्टेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एट COP26 हेल्ड इन ग्लासगो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो में आयोजित COP26 में इनमें से किस पहल का समर्थन किया है? तो यहां पे ऑप्शंस गिवन है, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड, वन अर्थ वन नेशन एंड वन ग्रिड, वन अर्थ वन सन एंड वन नेशन, वन सन वन नेशन या वन वर्ल्ड। तो यहां पे आप ऑप्शंस देख सकते हैं, काफ़ी कंफ्यूजिंग एक तरीके से लग रहे हैं और ऐसे ही एग्जाम में भी जरूर पूछा जा सकता है। तो मैं आपको इसमें सही ऑप्शन बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। जी, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, आपको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना चाहिए। मैंने आपको पहले भी बोला है कि ग्लासगो जो कन्वेंशन हो रहा है, COP26 जो हो रहा है, यानी कि ये जो यूएन का क्लाइमेट कन्वेंशन है, COP26 जिसे बोला जा रहा है, ग्लासगो में हो रहा है, और ग्लासगो आपको मालूम होना चाहिए कि स्कॉटलैंड में है। तो ये जो कन्वेंशन है बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले समय में काफी सवाल इससे बनने वाले हैं, तो आपको डिटेल में इसको जरूर पढ़ना चाहिए, राइट? तो इसी कन्वेंशन में एक पहल रखी गई है जिसका नाम है वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। तो आप इसको जरूर समझ पा रहे होंगे इसके नाम से कि ये जो पहल है ये सोलर पावर से रिलेटेड है, यानी कि पूरी दुनिया को एक तरीके से सोलर एनर्जी से जोड़ने की बात की जा रही है या जोड़ने का विजन है इस प्लानिंग के तहत, वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि आप इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो सोलर एनर्जी है वो अपने आप में एक बहुत ही बेस्ट एनर्जी है, एक बहुत बेस्ट सोर्स है एनर्जी का, जो एक तरीके से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद जिस तरीके से हमने एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचाया है, उस नुकसान की भरपाई एक तरीके से सोलर एनर्जी कर सकती है। मतलब कि आप सोलर एनर्जी को जितना ज़्यादा यूज करेंगे उतना ही कम कार्बन एमिजन होगा और कहीं ना कहीं वो रोल अदा करेगा ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में, राइट? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ें, मतलब कि वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड योजना है क्या और इसका विजन क्या है, मतलब सेपरेटली आपको यहाँ पर पढ़ना है। ग्लासगो के जो डिफरेंट पॉइंट्स हैं उनको भी आपको एक तरीके से अलग नोट करना है और यहां पे वन सन वन वर्ल्ड एंड वन ग्रिड को भी डिटेल में जरूर पढ़ लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये, कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाने वाला है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द न्यू पार्टी फाउंड बाय फॉर्मर पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह आफ्टर रिजाइनिंग फ्रॉम कांग्रेस। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद पंजाब के पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा गठित नई पार्टी का नाम क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, लोक पंजाब कांग्रेस, पंजाब लोक कांग्रेस, पंजाब शक्ति कांग्रेस या पंजाब कांग्रेस आर्मी। तो मैं आपको सही ऑप्शन इसमें बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है पंजाब लोक कांग्रेस। जी, तो पार्टी का नाम अच्छे से याद हो जाना चाहिए और जिन्होंने इस पार्टी की स्थापना की है या जिनके नेतृत्व में इस पार्टी को बनाया गया है वो नाम भी आपको याद हो जाना चाहिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह, राइट? आपको मालूम ही होगा और ये भी मालूम होगा कि अभी पिछले 1.5-2 महीने से काफ़ी एक तरीके से पंजाब की पॉलिटिक्स में उठापटक देखने को मिल रही थी और उसी का नतीजा है कि यहाँ पे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक नई पार्टी का गठन किया जिसका नाम है पंजाब लोक कांग्रेस, राइट? तो आप इसको अच्छे से याद कर लें, क्वेश्चन बन सकता है। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज अनाउंस द कंप्लीट बैन ऑन यूज ऑफ फॉरेन करेंसी इन द कंट्री। किस देश ने देश में विदेशी मुद्रा के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, चाइना या रशिया। तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है अफगानिस्तान। जी, तो अफगानिस्तान में विदेशी मुद्रा के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की गई है और कहीं ना कहीं ये जो घोषणा है वो इस कंट्री के इकोनॉमिक जो क्राइसिस है उसको और भी ज़्यादा बढ़ाने वाली है। आपको मालूम होना चाहिए कि अगस्त में
में यानी कि अगस्त 2021 में इस्लामी तालिबान के द्वारा वहाँ की सरकार को जब से हटाया गया है तब से इस देश में काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है वहाँ के लोगों को। मतलब कि अगर आप नेशनल के रूप में आप इसको देखें, नेशन के रूप में अगर आप इसको समझने की कोशिश करें तो एज ए नेशन इस देश की जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो लगातार बढ़ रही है और यहाँ के जो लोगों की आजीविका है वो एक तरीके से उसमें भी बहुत बड़ा फर्क आया है और लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनमें भी बहुत बड़ा वायलेशन देखने को मिला है, राइट। तो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने जरूर तालिबान को डिटेल में भी तक पढ़ लिया होगा या यहाँ पे जो भी पॉलिटिकल इशू चल रहा है अगस्त से लेके अभी तक वो सब आप जरूर नज़र बनाए रखे होंगे, लेकिन इसको आपको डिटेल में जरूर पढ़ना है। यानी कि ये जो बैन किया गया है वहाँ पे फॉरेन करेंसी के यूज को, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, उस पर जरूर क्वेश्चन बनने वाला है। मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के बाजारों में अमेरिकी डॉलर का उपयोग व्यापक रूप से होता है और अगर हम सीमावर्ती क्षेत्रों की बात करें तो सीमावर्ती क्षेत्रों में भी जो व्यापार होता है एक तरीके से पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों की मुद्रा का उपयोग करके किया जाता है, तो काफ़ी एक तरीके से अहम योगदान होता है फॉरेन करेंसी का अफगानिस्तान के बाजारों में या अफगानिस्तान के ट्रेड में, राइट। तो आपको उसको डिटेल में जरूर पढ़ लेना है। देखिए, ये जो सारा का सारा सब्जेक्ट है, ये सारा का सारा जो इश्यू है वो कहीं ना कहीं नेशनल फंड के पूरी तरीके से ध्वस्त होने की वजह से यहाँ पे ये रखा जा रहा है, देखा जा रहा है, लेकिन अगर रिजर्व के रूप में आप इसको देखें कि मतलब क्या फॉरेन रिजर्व या कुछ ऐसी हमारे डिपॉजिट्स हैं जिनको हम यूज करके अपने देश की इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर कर सकते हैं, तो ऐसी कुछ सिचुएशन अफगानिस्तान के टर्म में देखने को मिलती है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अफगानिस्तान ने US फेडरल रिजर्व और यूरोप के अन्य केंद्रीय बैंकों के पास विदेशों में मतलब अरबों डॉलर की संपत्ति जमा की हुई है, लेकिन अगस्त के बाद ये जो पॉलिटिकल इश्यू आया है यानी कि इस्लामी तालिबान के द्वारा जो वहां की सरकार को हटाया गया है उसके बाद इन कंट्रीज ने मतलब कि अमेरिका और यूरोप की कई सारी कंट्रीज ने यहाँ के फंड को, यहाँ के डिपॉजिट को फ्रीज कर दिया है, राइट। तो अपने आप में ये भी बहुत ही मतलब कि दुखदाई है एक तरीके से अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के लोगों के लिए, राइट। तो इसी वजह से तालिबान जो सरकार है वो अरबों डॉलर के इस पैसे को रिलीज करने के लिए वर्ल्ड कम्युनिटी पे लगातार प्रेशर बना रही है, राइट। और मैं आपको बताऊं कि ये जो फंड है जो फ्रीज किया गया है वो एक तरीके से अभी के समय में बहुत जरूरी है इस देश के विकास के लिए, इस देश के लोगों को एक तरीके से फिर से पटरी पर लाने के लिए, लोगों की जिंदगी को फिर से पटरी पर लाने के लिए ये जो फंड है, ये जो डिपॉजिट है वो बहुत जरूरी है। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि ये जो देश है वो लगातार एक तरीके से, ये आपको मालूम ही होगा कि ये देश सूखा का लगातार सामना करता ही रहता है, लेकिन यहाँ पे नकदी की जो कमी है या बड़े पैमाने पे जो भुखमरी है या सबसे बड़ा जो संकट देखने को मिला है अगस्त से लेके अभी तक वो ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे माइग्रेशन का भी संकट देखा जा रहा है, मतलब कि यहाँ से लोगों का दूसरी कंट्री या दूसरी जगहों के लिए विस्थापन भी देखा गया है। और अफगानिस्तान के ये जो इश्यूज हैं वो बहुत ही एक तरीके से मतलब एज ए कंट्री अगर आप इसको देखें तो कंट्री के रूप में ये सारे इश्यूज डेफिनेटली कंट्री को बर्बाद करने के लिए काफ़ी हैं, राइट। तो ये समय बताएगा कि किस तरीके से वर्ल्ड कम्युनिटी इस तालिबान को एक तरीके से देख पा रही है या अफगानिस्तान को किस तरीके से देख पा रही है, उसके टर्म में क्या पॉलिसीज बना पा रही है, ये डेफिनेटली समय ही बताएगा। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इंडस्ट्री बॉडी फिक्की हैज अपॉइंटेड अरुण चावला एज इट्स न्यू डायरेक्टर जनरल, इन विच पोजिशन ऑफ द इंडस्ट्री बॉडी इज ही करंटली वर्किंग। उद्योग मंडल फिक्की ने अरुण चावला को अपना नया महानिदेशक नियुक्त किया है, अभी वह उद्योग मंडल के किस पद पर शोभित हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, ऑप्शन यहाँ पे है करेक्ट ऑप्शन डिप्टी जनरल सेक्रेटरी, यानी कि यहाँ पे जो इंडस्ट्री बोर्ड की बात हो रही है, इंडस्ट्री बॉडी की बात हो रही है, उसके डिप्टी जनरल सेक्रेटरी के रूप में ये काम कर रहे हैं। किसका नाम यहाँ पे लिया जा रहा है? अरुण चावला जी। तो नाम आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए और जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे एब्रिवेशन है वो भी आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए, फिक्की जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके टाइमिंग क्वेश्चन काफी बन चुके हैं और आगे भी जरूर बनने वाला है। फिक्की यानी कि द फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, राइट। तो ये एक नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है या एडवोकेसी ग्रुप है जो कि इकोनॉमिक और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ में अपने डिसीजन लेती है या अपनी पॉलिसीज बनाती है। मैं आपको बताऊं स्ट्रेटेजी के रूप में इसकी जो फाउंडेशन हुई थी, इसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी वो 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में हुई थी, राइट। और इसके फाउंडिंग जो मेंबर्स हैं, इसके जो फाउंडर्स हैं, उनमें दो महत्वपूर्ण नाम है, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास एंड घनश्याम दास बिरला, राइट।
और अगर इसमें हम इनडायरेक्ट एक फाउंडर की बात करें या इनडायरेक्ट जो रोल था वो कहीं ना कहीं इसमें महात्मा गांधी जी का भी रोल रहा है, राइट, बिकॉज उन्हीं के थॉट प्रोसेस या उनके मोटिवेशन से ही यहाँ पे पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास और घनश्याम दास बिरला जी ने फिक्की की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसके प्रेजेंट में भी जितने भी मतलब इसके जैसे अगर हम बात करें कि प्रेजेंट में इसके जो सीईओ हैं वो कौन है, तो सीईओ इसके संगीता रेड्डी हैं, इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है, और अगर इसके हम प्रेजिडेंट की बात करें तो इसके प्रेजिडेंट हैं हर्षवर्धन नियोटिया। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं, इनमें क्वेश्चन कई बार बनते रहे हैं, आगे भी बन सकते हैं, आपको जरूर अपडेट रहना चाहिए जब भी आप कोई एग्जाम देने जाए, राइट, तो आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ लें। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन विच कंट्री याहू रिसेंटली अनाउंस द क्लोजर ऑफ इट्स सर्विसेज ड्यू टू कॉमर्शियल एंड लीगल चैलेंजेस। व्यावसायिक व कानूनी चुनौतियों के चलते याहू ने किस देश में हाल ही में अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है? यहाँ पे ऑप्शन गिवन है इंडिया, जापान, पाकिस्तान या चाइना। तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है चाइना जी। तो चाइना कंट्री में यहाँ पे याहू ने अपनी सेवाएं बंद करने की घोषणा की है, और रीजन क्या यहाँ पे दिया जा रहा है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ड्यू टू कॉमर्शियल एंड लीगल चैलेंजेज जी। तो सबसे बड़ा यहाँ पे लीगल चैलेंज ही बन रहा है इनके लिए, बिकॉज मैं आपको बताऊं कि चाइना में एक तरीके से न्यू कंटेंट एंड कस्टमर प्राइवेसी रूल्स आए हैं, जिसके तहत बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं इंटरनेट कंपनीज के ऊपर, और यही रिस्ट्रिक्शंस कहीं ना कहीं याहू को फोर्स करते हैं इस देश में अपनी सेवाएं बंद करने के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्चुअल में रीजंस क्या है या लीगल चैलेंजेस क्या है या न्यू रूल्स क्या है, वो एक तरीके से आपको डिटेल में जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्वेश्चन कहीं ना कहीं बन सकता है, राइट। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा हैज बीन एंटर्ड इन द गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स फॉर अपलोडिंग द मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंड रिटन नोट्स। इन दिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दीज नोट्स हैव बीन अपलोडेड। स्वच्छ गंगा के लिए राष्ट्रीय मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में हस्तलिखित नोटों की अधिकतम संख्या को अपलोड करने के लिए दर्ज किया गया है। इन नोटों को किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया गया है? तो यहाँ पे ऑप्शन गिवन है इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन या फेसबुक। तो सही ऑप्शन मैं आपको बता दूं, सही ऑप्शन यहाँ पे है फेसबुक जी। तो फेसबुक सोशल मीडिया पे यहाँ पे जो हैंड रिटन जो नोट्स हैं उनको अपलोड किया गया है, यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना है और इसी के तहत यहाँ पे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में ये रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप देखिए यहाँ पे बात की जा रही है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, ये इसको रखा गया है, लेकिन एक्चुअल में ये जो रिकॉर्ड बना है वो गंगा महोत्सव को लेकर हुआ है या गंगा उत्सव को लेकर हुआ है, गंगा उत्सव 2021 जो हुआ है उसके उपलक्ष्य में एक तरीके से ये अपलोड किया गया था, एक तरीके से मुहिम चलाई गई थी, एक वर्चुअल मुहिम चलाई गई थी, और उस मुहिम में काफ़ी लोगों ने हैंड रिटन नोट्स एक तरीके से शेयर किए, अपलोड किए, तो और उसी के तहत यहाँ पे एक रिकॉर्ड बना है जिसके तहत यहाँ पे इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया है। तो मैं बात कर रहा हूँ पे गंगा उत्सव की, गंगा उत्सव 2021 की, तो आपको ये जरूर अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके टर्म में क्वेश्चन कहीं ना कहीं बनने वाला है, राइट। और मैं आपको बताऊं कि गंगा उत्सव 2021 जो है ये इसका 5th एडिशन था, राइट, गंगा उत्सव पहले से मनाया जाता रहा है और ये इसका क्या रहा है 5th एडिशन रहा है, और बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी गंगा उत्सव 2021 में जो जल शक्ति मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत हैं उन्होंने एक पोर्टल की भी लॉन्चिंग की है जिसका नाम है क्लैप, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअल में इसका फुल फॉर्म क्या है ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, इसको आप डिटेल में जरूर पढ़िए, लेकिन मोटे तौर पे मैं बता दूँ ये जो प्लेटफॉर्म है वो एक्चुअल में एक तरीके से संवादात्मक पोर्टल है, यानी कि कम्युनिकेशन पोर्टल है जिसमें भारत की नदियों के विषय में बातचीत की जानी है या उन नदियों के टर्म में, उन नदियों के टर्म में क्या एक्शन प्लान हो सकता है या उनमें जो होने वाले पोल्यूशन है उनको किस तरीके से रोका जा सकता है या इन नदियों को किस तरीके से बचाया जा सकता है, यानी कि कह सकते हैं कि यह जो पोर्टल है वह पर्यावरण, जल और नदियों से संबंधित विषय और मुद्दों पर बहस और चर्चा को बढ़ावा देने के लिए एक तरीके से ये प्लेटफॉर्म एक बेस्ट प्लेटफॉर्म की तरह आगे आ सकता है या इसका यूज किया जा सकता है, राइट। तो आप इसको डिटेल में जरूर पढ़ लें, आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे उनमें कहीं ना कहीं इसका एक तरीके से जिक्र हो सकता है या डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन बन सकता है, राइट। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अगर आप वीडियो में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इंपॉर्टेंट वीडियोज आपसे मिस ना हो, राइट।
और अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स पढ़ना चाह रहे हैं तो आप हमारी साइट पे जाइए, वहाँ पे आपको डेली न्यूज़ दी जाती है फिल्टर्ड फॉर्म में, पॉइंट वाइज, और डिफरेंट फील्ड्स की न्यूज़ दी जाती है जिन पे बेस्ड काफ़ी सवाल आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछे जाते रहते हैं, राइट। तो आप इन पॉइंट्स को पढ़ें और याद करें, नोट करें, और एग्जाम टाइम में रिवाइज करके जरूर जाएं। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हैव अ नाइस डे, ग्रेट डे, थैंक यू।